नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल टॉप टेस्ट टेक्निकल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने मोबाइल नंबर से अपने मोबाइल से आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। तो क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है uidaai.gov.in। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार। तो डाउनलोड आधार पे क्लिक करना है। डाउनलोड आधार पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ योर आधार। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन से खुल जाएंगे। जैसे आधार नंबर है तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार नंबर है तो 12 डिजिट का आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए, मेरा आधार नंबर है 35 91 69। इसके बाद यहाँ पे आई वांट टू एम मास्केट आधार पे क्लिक कर देना है और नीचे में आपको कैप्चा कोड डालना है। तो कैप्चा कोड हम डाल लेते हैं, डालिए आप अपना। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी चला जाएगा। तो देखिए मेरा ओटीपी आ गया है। तो ओटीपी डालते हैं 5 6 8 6 11। जैसे ये डालने के बाद नीचे आपको एक दो सवाल का जवाब देना है। तो जैसे आप पूछ रहा है डिड यू नो डैट यू कैन ऑर्डर रिप्रिंट ऑफ योर आधार लेटर फ्रॉम यूआईडी AI वेबसाइट, तो यहाँ पे यस कर देना है। और सेकेंड में यहाँ पे दे देना है आपको विथिन 5 वर्किंग डे। वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको देखते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूँ कि यहाँ पे पासपोर्ट आपको पूछ रहा है। तो पासपोर्ट में आपको जो है आपका नेम का 4 डिजिट कैपिटल लेटर में डालना होगा। तो मेरा नाम जैसे कि सुनील कुमार है तो कैपिटल लेटर में SUNI डालने के बाद जन्म तिथि जो होता है उसका ईयर डालना है। तो मेरा जन्म तिथि का ईयर 2000 है। 2000 देने के बाद यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। देखिए, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा सारा डिटेल खुल के आ चुका है। तो अगर यह जानकारी आपको कैसा लगा, अगर यह जानकारी थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।